जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका डी सीरीज एंड फैक्ट में। दोस्तों आज मैं आप लोगों को उत्पाद सिपाही के जो मुख्य दो कारण है जिसके कारण अभी तक JSSC द्वारा एडमिट कार्ड अपने ऑफिशियल वेबसाइट में नहीं दी पाई है लिंक उसका, तो उसका क्या कारण है, उन जो महत्वपूर्ण जो बातें हैं इन सभी बातों पर हम लोग आज इस वीडियो पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को आप लाइक कर दें, ठीक है। अगर चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। दोस्तों जो JSSC अभी तक एडमिट कार्ड जारी नहीं की है इसका मुख्य दो कारण है। सबसे पहला कारण जो है कि अभी जो कोर्ट में केस चल रहा है, ठीक है, और जो इसका बारे में हम लोग अंतिम में चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले एक कारण है कि JSSC के द्वारा जब पूछा गया कि आप इसका एडमिट कार्ड क्यों नहीं जारी कर रहे हैं, इसका दौड़ क्यों नहीं ले रहे हैं, ठीक है, तो इसका जो प्रमुख कारण JSSC ने बताई, बोले कि जो हम लोग की जो दौड़ कराने की प्रक्रिया है हमने कार्मिक प्रशासनिक विभाग को भेजी जा चुकी है हम लोग के द्वारा, ठीक है। तो अब इसकी जो दौड़ कराने की प्रक्रिया है कहाँ पे कैसे दौड़ करानी है तो ये कार्मिक और प्रशासनिक विभाग करेगी, ठीक है, अर्थात ये पुलिस बलों के द्वारा किया जाएगा, ये व्यवस्था की जाएगी उनके द्वारा, तभी ये चीज़ संभव हो पा जाएगी। और दूसरी कारण जो है, ठीक है, जो न्यायालय में जो केस चल रहा है, ठीक है, जो नियमावली है उस नियमावली के कारण JSSC भी रुकी हुई है। अगर कोर्ट नियमावली के विरुद्ध फैसला सुनाती है तो इसको वैकेंसी को रद्द करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इन सभी कारणों के कारण JSSC में हर वैकेंसी में विलंब हो रहा है। ऐसे तो वैकेंसियाँ निकल रही है लेकिन इसका कोई प्रोसेस नहीं हो पा रहा है, ठीक है दोस्तों। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा, ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद दोस्तों।